चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया था, ठीक है? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन देख रहे हैं। कंबशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को जलाना, समझ रहे हो? ऑक्सीजन एक्सेस में होना चाहिए। तो हमारा डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? देखो देखो, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल, अगेन देखो वो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या लिखा है यहां? वन मोल। अब ये चीज तो बोलनी जरूरी है ना, ये चीज फॉर्मेशन में भी आई थी। अब कितने कितने आप एलिमेंट को जला रहे हो यहां पर? एक मोल एलिमेंट को जला, एक मोल कंपाउंड जलना चाहिए। बात समझ में आती है? एक मोल। तो क्या लिखा है? दिस इज अ चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल कंपाउंड, वन मोल कंपाउंड इज कंबस्टेड, कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आता है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ गया? इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, आगे लिख लो, इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। और स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती है? 1 atm क्या होगा? प्रेशर, टेम्परेचर कितना होगा? 298 केल्विन टेम्परेचर। समझ में आ गया? अब देखो जरा ध्यान से, देखो सबसे पहले तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को लिखते कैसे बेटा? देखो एंथैल्पी को तो लिखते हैं चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच। अब अगर इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बनाना है तो कंबशन के लिए यहां क्या लगा देंगे? सी। समझ में आता है? कई बुक्स इसको डेल एच सी यू भी लिखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एच आर सी आगे लगाओ या सी पीछे लगाओ। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर क्या लगाना है? जीरो। तो कैसे भी लिख लेना, तो ऐसा लिखा हो डेल सी एच या डेल एच सी, उसका मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंबल पहचान गए, सबको समझ में आ गया। अब ये क्या करना है तुम्हें? कंबशन करवाना है, जलाना है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि मान लो कि मैं किसको जलाता हूं? कार्बन। ध्यान से देखना, पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं कार्बन को जलाना चाहता हूं, और कार्बन की कौन सी फॉर्म को जला रहा हूं? ग्रेफाइट फॉर्म। जला तो आप डायमंड फॉर्म को भी सकते हो, वो भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हीट अलग अलग निकलेगी, सेम नहीं होगी। बात समझ में आ गया? जब आपने कार्बन ग्रेफाइट को जलाया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बात समझ में आता है? तो इससे क्या बनता है? CO2। ये सबको पता है, बात समझ में आ गई? CO2 गैस बनेगी। ये भी क्या है? गैस। आपको ये लिखना जरूरी। अब कार्बन जरा ध्यान से देखो, ये 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 इसमें कैसे रिप्रेजेंट होगी, मतलब हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन में कैसे रिप्रेजेंट होगी? जिसको भी आप जला रहे हो उसको कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल। बात समझ में आ गया? इसका 1 मोल ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें लिखा है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना भी मोल हो चलेगा, इसका 1 मोल होना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन लिखी है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस केस में जो हीट बाहर निकलेगी, मतलब इस केस में इस रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी है, अब देखो इसको लिखने का तरीका, इस रिएक्शन का तो आर लगा दिया, चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होगा? व्हिच इज इक्वल्स टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। बात समझ में आती है? क्लियर हो गया कि इस रिएक्शन में जितनी चेंज इन एंथैल्पी, मतलब जितनी हीट बाहर निकलेगी, वो किसके बराबर होगी? कार्बन ग्रेफाइट के कंबशन की हीट के बराबर होगी। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल नंबर 2, ये पहला एग्जांपल है। अब तुम याद करो, एक बात थोड़ी सी याद करो, ये एग्जांपल तुम पहले भी देख चुके हो। कहां देख चुके हो? जब आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किया था CO2 का, याद है? सेम एग्जांपल था, मतलब इस इक्वेशन में जितनी भी एंथैल्पी चेंज आ रही थी वो किसके बराबर था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। समझ में आता है? और इसी इक्वेशन में जितनी भी हीट बाहर निकल रही है वो किसके बराबर है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तीनों चीज बराबर है। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन दिस केस, जरा ध्यान से देखो,
इस केस में जितनी एंथैल्पी चेंज आएगी CO2 को बनाने में, क्योंकि CO2 ही तो बन रहा है, ये किस हीट के बराबर होगा या किस एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा कि जितना कार्बन का कंबशन हो रहा है उसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि ये सेम ही रिएक्शन तुमने कहां लिखी थी? फॉर्मेशन में। बात समझ में आ गई? सेम ही रिएक्शन तुमने फॉर्मेशन में लिखी थी, तो उस जब फॉर्मेशन में लिखी थी तो उसके लिए जो रिएक्शन में जो फॉर्मेशन ऑफ हीट थी वही तो इस केस में कार्बन के लिए कंबशन ऑफ हीट है, और वही यहां पर क्या है, एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन का। बात समझ में आ गई क्या? अब सेकंड केस देखो, नहीं समझ में आए तो दूसरी बार में समझ में आ जाए। मान लो जरा ध्यान से देखो, मैं इसका कंबशन करा रहा हूं सेकंड केस में, मैं हाइड्रोजन का कंबशन करवाना चाहता हूं। जरा ध्यान से समझ रहे हैं इसको, बड़ा आसान है। किसका कंबशन कराना है? हाइड्रोजन का। अब अगर हाइड्रोजन का कंबशन कराना है तो हाइड्रोजन कितने मोल होने चाहिए? 1। देख लो पहले ध्यान से, बोर्ड पर देखो, पूरा दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन का कंबशन कराना है, कंबशन कराना है तो हाइड्रोजन कितने मोल होने चाहिए? 1। अब इसका कंबशन होएगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। 10। समझ में आ गया? जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कराते हो बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन में पानी बनाता है, वाटर H2O बनाए। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसका एक मोल होना चाहिए तो तय, ये कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये अगर एक है तो बैलेंस करो उसके हिसाब से, तो यहां कितना लगेगा? बात समझ में आ गया? अब खास बात, ये जो रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी आर लगा दिया है, इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी ये किसके बराबर होगा? दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। किसका कंबशन करवाया तुमने? हाइड्रोजन का, H2। अब खास बात देखो, ये सेम रिएक्शन तुमने कब लिखी थी? फॉर्मेशन ऑफ वाटर में। मतलब इस केस में जो हीट चेंज इन एंथैल्पी आया था किसको बनाने में? पानी को बनाने में। ये जितनी हीट लिबरेट करेगा, ये हीट और इस रिएक्शन का हीट बराबर होगा। बात समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्या निकला कि द फॉर्मेशन ऑफ CO2, द चेंज, लुक एट दिस, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे ऑब्वियसली हाइड्रोजन को तुम जलाओगे, जितनी हीट लिबरेट होगी उतनी इसके फॉर्मेशन में तो हीट लिबरेट होगी, यही तो कहानी है और वो क्या रहा है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया सबको? मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं एग्जांपल और भी दूंगा, पहले इसको उतार लो, लिखो फटाफट और इसमें साथ साथ में लिखते रहना। इसका मतलब क्या निकला, नीचे नोट लगा दे, दोनों एग्जाम्पल के साथ दोनों एग्जाम्पल बना लो और उसमें पहले एग्जाम्पल के लिए लिखो, फर्स्ट एग्जांपल के लिए क्या लिखोगे? दी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल टू the enthalpy of formation of CO2 gas। पहले जब ये एग्जाम्पल लिख लोगे तो उसके साथ ही ये लाइन लिख लेना, क्या लिखा कि जी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, दिख ही रहा है यहां पर। बात समझ में आ गई सबको? अब सेकंड केस में क्या लिखोगे? सेकंड केस वाला यहां लिख देता हूं इस तरफ, क्या लिखूंगा? दी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस is equal to the enthalpy of formation of water। अब ये दोनों में लिखना ना, at same conditions, मतलब condition same होनी चाहिए, at same conditions।
सेम कंडीशन का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया? सबने उतार लिया? अब और एग्जांपल देखो, हो गया सबका? रख कर दूं? मोस्ट इंपोर्टेंट, अब कंबशन में बहुत ही सिंपल है ये, इतना सिंपल है इसको एक बार अगर अपने खुले दिमाग से देख लो तो बहुत इजी हो जाएगा काम। कंबशन करानी है, कराओ कंबशन, किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बनेगा वो सामने देखो, किसकी कंबशन करा रहे हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो कंबशन और भी चीजों की करवाते हैं, जैसे मान लो ये हो गया सबका, और एग्जांपल देखो, मान लो मैं कंबशन कराता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, उतार लिया सबने। अब देखो मैं कंबशन और चीजों की कराता हूं, जैसे मान लो मैं कंबशन कराना चाहता हूं, लिखो मीथेन की, मीथेन की कंबशन कराना चाहता हूं। देखो तो एंथैल्पी अपने को पता करना है, किसका? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है? अलग अलग कंपाउंड्स का पता करते हैं, सबसे पहले अपन पकड़ते हैं किसको? मीथेन को। मीथेन क्या होता है? CH4 नहीं आता, अब देख लो CH4 को मीथेन गैस बोलते हैं। अब देख लो बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन करवाते हो तो दो ही चीज बनती है, एक तो CO2 और दूसरा H2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पानी, समझ में आता है? अब मुझे देख लो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये लिखनी है, इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है मेरे को, किसकी करवा रहे हो? मीथेन की, तो ऑब्वियसली मीथेन की करवा रहे हो, मीथेन का क्या होना चाहिए? एक मोल, क्योंकि एक ही मोल के लिए होगा। अब आगे तुम्हें क्या लिखना है, किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बनेगा ये तय है यहाँ पर, एक तो बनेगा CO2 और दूसरा बनेगा H2O। ये गांठ मान लो हाइड्रोकार्बन जो किस से मिलकर बने हो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, उनका जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करवाओगे तो दो ही चीज बनेंगे, तो CO2 दूसरा H2O। बात समझ में आती है? क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक होगा ये तो तय हो गया, अब बाकी तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। अगर ये एक कार्बन है तो यहां भी ये CO2 भी कितने निकलेगी? एक। बात समझ में आता है? ये तो एक तय हो गया ना, तो ये भी एक तय हो गया। अब देखो तुम यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि एक तय है तो हाइड्रोजन तो यहीं से आ रहे हैं ना, तो चार हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन, तो कितने लगाने पड़ेंगे? दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, क्योंकि ऑक्सीजन आएगी यहां से। अब ये भी तय हो गया कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, बाद में ऑक्सीजन बच गई, ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 2 4, तो क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई। ये पूरी इक्वेशन तो लिखी है, अभी फेजेस बाकी है। मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, और वाटर भी यहां पर कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? गैसीयस फॉर्म में। समझ में आता है? ये जो इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन में जितनी भी हीट लिबरेट होगी इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में जितनी भी एंथैल्पी में चेंज आएगा या हीट लिबरेट होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके बराबर होगी? व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस। बात सबको समझ में आ गई? ये इसके बराबर होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि इसी का कंबशन करवा रहे हो तुम, चीजें बड़ी आसान है, देख के लिखते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है तो उसमें पूछ लो। आगे समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम्हें कहा कि तुम्हें क्या करवाना है, कंबशन कर एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है, मान लो उसके लिए बेंजोइक एसिड के लिए, किसके लिए? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, बदल जाएगा C6H5COOH। अब है तो बेटा एक हाइड्रोकार्बन ही ना, जो किस किस से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तुमसे कहा था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कोई भी चीज बनी हो, उसका कंबशन कराएगा, दो ही चीज बाहर निकलेगी, क्या? एक तो CO2 और दूसरी H2O। सबको समझ में आता है? और कोई तीसरी चीज बाहर नहीं निकलेगी। तो देखो जरा ध्यान से, इसी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है, ठीक है? तो तुम्हें बता रखा है, अगर इसका तुम एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना चाहते हो तो सबसे पहले किसका कंबशन करा रहे हो? C6H5COOH का कंबशन करा रहे हो। कंबशन किसका भी कराते हो, उसका कितना मोल होना चाहिए? एक। अब इसका कंबशन किसकी प्रेजेंस में कराओगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब इससे बनने वाली चीजें क्या है? सिर्फ दो, एक तो क्या बनेगी? CO2 प्लस दूसरा क्या बनेगा? H2O। अब ये तो तय है कि ये एक है, ये तो बदल नहीं सकता। यहाँ कार्बन कितने हैं? 6 और 1 7, मतलब कार्बन भी बदल सकते हैं, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 7। सबको समझ में आ गया? अब ये चीज तय है तो हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास? हाइड्रोजन कितने? 5 और 1 6, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, हो गए 6। अब ऑक्सीजन काउंट करो, देखो देखो यहाँ से, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ये रहे, और 7 दूनी 14 ये रहे, 14 15 16 17 17 है ना,
17 में से यहां से दिए, यहां भी 17 होने चाहिए, इसका मतलब ये हो गया यहां 17 है तो यहां भी 17 होने चाहिए, 17 में से ये तो तय है, इसको तुम हिला नहीं सकते, तो दो घटा दो, अब तो ये 15 और चाहिए, ये दो तो हो गए ना काउंट, 15 और चाहिए, 15 निकालने के लिए क्या करो यार, 15 बटा 2 हो गए 15, चेक करो ये दो, ये दो है एक में, समझ में आता है, यहां पर कितने हो गए टोटल 15, अब ये बैलेंस हो गई। ये केमिकल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये केमिकल रिएक्शन बेंजोइक एसिड की कंबशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रही है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना हो तो एक सेंस हुआ, सबको समझ में आता है, क्लियर हो गया, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, क्लियर हो गया सबको, किस तरह से लिखते हैं, तो फटाफट से बता दो, तुम एग्जांपल लगा के चलेंगे।